हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके प्यार से चैनल चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा गाइज। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 7 चल रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाया था। और टेक्निकल एनालिसिस में भी मैं आप लोगों को चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, और उसके बाद हम लोगों ने समझा था सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 7 के नाम से, आप वहाँ पे भी जाके ये सब लेक्चर्स को देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स के बारे में और फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन से आप लोग कैसे बच सकते हो, क्योंकि 80% ऑफ ट्रेड हम लोग जो करते हैं वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ही करते हैं। या तो आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करो, या फिर किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के या फिर किसी भी चार्ट पैटर्न पे जो भी ब्रेकआउट होता है आप वहाँ पे क्या होते हैं ट्रैप हो जाते हो। तो उससे किस तरीके से आप बच सकते हो, ब्रेकआउट के क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना होता है, वही चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त को गमाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं थोड़े से कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स के बारे में, क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन जो होता है वो कैंडलस्टिक से ही होता है, तो ये समझना हम लोगों के लिए क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको दो तरीके का कैंडलस्टिक्स दिखेगा, एक बेरिश कैंडलस्टिक्स दिखेगा, एक आपको बुलिश कैंडलस्टिक दिखेगा। बेरिश का क्या मतलब होता है, बेरिश आपको हमेशा रेड दिखेगा, बुलिश आपको हमेशा ग्रीन दिखेगा। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो आप लोग। देखो, एक कैंडल में आप लोगों को चार इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है, उसका ओपन प्राइस, उसका क्लोज प्राइस, उसका लो पॉइंट, उसका हाई पॉइंट। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि 200 रुपीज पे ओपन हुआ है, अगर ये 200 रुपीज से 1 रुपया भी नीचे की तरफ जाएगा ना, 199 रुपीज होगा ना, तो इसका कलर अपने आप क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं ये 200 रुपये पे क्या हुआ है, ओपन हुआ है, इसने हाई लगाया कहाँ पे, इसने हाई लगा दिया मान लेते हैं 250 रुपये का, बट यहाँ पे ये क्लोज नहीं हुआ, ये अगेन नीचे जाके अपना लो बनाया है 100 रुपये का। ठीक है, और क्लोज कहाँ पे हुआ, और थोड़ा सा ऊपर जाके 150 रुपये पे क्लोज हो गया। तो ओपन कहाँ पे था, ओपन हुआ था ये 200 रुपये पे। ठीक है, ओपन हुआ था 200 रुपये पे, और क्लोज कितने पे हुआ, 150 पे, मतलब 50 रुपये कम पे क्लोज हुआ, इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है। अगर इसके ठीक अपोजिट हम लोग बुलिश कैंडलस्टिक्स की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या होता है, नीचे ओपन होता है, हाई एंड लो सेम उसमें भी रहेगा। अगर मान लेते हैं ये 200 रुपये पे ओपन हुआ है और लो लगाया इसने 150 रुपये का, ठीक है, और इसने हाई लगा दिया 300 रुपये का, बट क्लोज कहाँ पे हुआ, 250 रुपये पे, 50 रुपये ऊपर जाकर ये क्लोज हुआ, इसलिए इसका कलर क्या है, ग्रीन है, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से ये ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है। बस कैंडल स्टिक्स में आपको यही सेम चीज़ समझना है। आपको ये जो पतला सा दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अपर शैडो, आप या फिर इसको अपर विक भी बोल सकते हैं, और जो नीचे है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर शैडो या फिर लोअर विक। तो ये कैंडलस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप लोगों को ये हमेशा दिमाग में रखना है, तभी आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, अभी हम लोग समझे फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन के क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप समझो, ब्रेकआउट के दो तरीके होते हैं, एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट होता है और एक रिवर्सल ब्रेकआउट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक रिवर्सल ब्रेकआउट और पहला क्या होता है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। दोनों में डिफरेंस क्या है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट में क्या होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। अब डाउन ट्रेंड में था और ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ ही चला जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, डाउन टू डाउन में जा रहा है, तो मतलब कंटिन्यू जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। ठीक है, और दूसरा जो हम लोगों का होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। अब रिवर्सल ब्रेकआउट में क्या होता है कि प्राइस क्या होगा, डाउन ट्रेंड में होगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा और ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये पहले डाउन ट्रेंड में था, अभी अप ट्रेंड में बदल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट, क्योंकि ट्रेंड हम लोगों का क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो दो तरीके का ब्रेकआउट होगा, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट और रिवर्सल ब्रेकआउट। अब हम लोग समझेंगे कि ब्रेकआउट के क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको हम लोगों को फॉलो करके चलना है, ताकि हम लोगों को कोई भी ज़्यादा ट्रेड में लॉस ना हो। अगर आप इस ब्रेकआउट के रूल्स को फॉलो करते हो तो 10 में से 7 बार आप ट्रैप होने से बच सकते हो, और 7 बार आपका क्या होगा, आप परफेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड में एंट्री करोगे। अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप 10 में से कम 2 ही बार आपका सही ट्रेड होगा, 8 बार आपका ट्रेड गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ खुद से डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ को फॉलो करके चलना है। ठीक है, अब ये सेम एग्जांपल मैं आप लोगों को इसका चार्ट पे दिखाऊंगा, चार्ट पे फॉलो करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए।
ठीक है। ब्रेकआउट के यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों रूल्स को आप लोगों को फॉलो करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, कोई भी रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। अब मैं आप लोगों को इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल क्या करता हूँ, चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन रियल है या फिर फेक है, इसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला रूल पढ़ो और उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चलेंगे। सबसे पहला रूल क्या बोलता है, रजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। इसका क्या मतलब होता है, कोई भी रजिस्टेंस या फिर कोई भी सपोर्ट कैंडल के बॉडी से ब्रेक डाउन होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब मैं आप लोगों को चार्ट पे समझा देता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं किसी भी कैंडल पे एक रेजिस्टेंस का लेवल क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। अब अगर ये हमारा मान लेते हैं रेजिस्टेंस का लेवल है, अब मान लेते हैं कि प्राइस क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ गया, और ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये क्या हुआ, कैंडल के बॉडी से हुआ है। कैंडल के बॉडी से मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देखना, ये जो कैंडल्स है हमारा, ये बीच एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स में समझाया था कि इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं और ऊपर नीचे जो है उसको अपर साइड और लोअर साइड बोलते हैं। अगर आपको कोई ध्यान में नहीं है तो मैं आप लोगों को अगेन यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो ये जो मोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। तो ठीक है, सेम यहाँ पे ये क्या हो रहा, तो सेम यहाँ पे ये चीज क्या हो रहा है कि कैंडल के बॉडी से इसका क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। तो सबसे पहला रूल हम लोगों को क्या बोलता है, कोई भी रेजिस्टेंस हो या फिर कोई भी सपोर्ट हो कैंडल्स के बॉडी से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होना चाहिए। अब इसका ठीक अपोजिट वीक का क्या मतलब होता है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट का लेवल था और ये हम लोगों का एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे मार्केट इसका क्या हुआ, ये जो ब्रेकआउट दिया, तो ये जो ब्रेकआउट है ये क्या है, वीक से है, बॉडी से तो नहीं है। आप उसको ध्यान से देखो, ये जो ब्रेकआउट है ये क्या है, वीक से है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई भी ब्रेकआउट बॉडी से हो रहा है या फिर वीक से हो रहा है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अब एक कैंडल को 5 मिनट लगता है क्लोज होने में, तो ये पहले जब ऊपर जा रहा था तो इसका कलर जाहिर सी बात है क्या होता, ग्रीन था, लेकिन 4 मिनट तक ये इस लाइन के ऊपर ही रहा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एंट्री कर लिया, इसने कैंडल का क्लोजिंग का वेट किया ही नहीं, और लास्ट के 1 मिनट में कैंडल डायरेक्ट नीचे अगर क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो आप यहाँ पे क्या हो गए, ट्रैप हो गए। आप लोगों को हमेशा कोई भी कैंडल अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके क्लोजिंग का वेट करो, और क्लोजिंग का वेट करने के बाद देखो कि वो जो ब्रेकआउट है वो कैंडल के बॉडी से हो रहा है या फिर वीक से हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो फिर आप ज़्यादातर क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, प्राइस नीचे की तरफ आया और इसने क्या किया, कैंडल के बॉडी से इसका ब्रेकडाउन किया, ठीक है। जब कैंडल के बॉडी से इसका ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे कि हाँ ये परफेक्ट ब्रेकडाउन है। तो आई होप अभी आप लोगों को फर्स्ट रूल इसका क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैंडल के बॉडी से ही हम लोग कंसिडर करेंगे, अगर वो कैंडल के बॉडी से नहीं हो रहा तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो पहला रूल आप लोगों को आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब कोई भी ब्रेकआउट हो या फिर कोई भी ब्रेकडाउन हो, वो जो कैंडल होना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, मतलब थोड़ा उसका बॉडी होना चाहिए और विक थोड़ा कम होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट कैंडल। एकदम पतला सा छोटा सा कैंडल से अगर ब्रेकडाउन देगा तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इस कैंडल को, छोटे से कैंडल्स को देखो, अगर इससे ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, अगर बॉडी भी बन जाता तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा कैंडल है। अब फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको मैं एक दो एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये जो ग्रीन रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये सेम छोटा सा कैंडल अगर इस लाइन पे होता तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के अगर यहाँ रख देता हूँ और इस कैंडल से इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा कैंडल है। तो कोई भी ब्रेकआउट कैंडल हो या फिर ब्रेकडाउन कैंडल हो, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आई होप अभी आप लोगों को सेकेंड रूल भी कन्फर्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, अब ये सारे रूल्स को बताने के बाद मैं आप लोगों को चार्ट पे इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके बाद हम लोगों का क्या रूल्स है, ऑलवेज वेट सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। अब देखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा हमेशा आपको वेट करना है किसका, सेकेंड कैंडल्स के क्लोजिंग कन्फर्मेशन लेना है आप लोगों को, सेकेंड कैंडल्स के क्लोजिंग का। वो कहाँ होना चाहिए, क्लोजिंग ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। अब इसका मैं क्या एग्जांपल दूँ, आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
अब मान लेते हैं कि कोई भी मैं रेजिस्टेंस को कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर लेता हूँ। अभी मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी बस समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसका यहाँ पे क्या हुआ, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब ये ध्यान से देखो, कैंडल्स के बॉडी से यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसको जो हम लोगों का जो पहला रूल है उसको मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्यों, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट हो रहा है, तो फर्स्ट रूल हम लोगों का क्या हुआ, यहाँ पे फॉलो हुआ। दूसरा रूल देख लेते हैं, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब ब्रेकआउट कैंडल देखो यहाँ पे, ये प्योर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बड़ा कैंडल है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो हम लोगों का यहाँ पे दूसरा रूल भी मार्केट फॉलो कर रहा है। अब तीसरा रूल देख लेते हैं, ऑलवेज वेट सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, अब इस रूल को आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना, तभी आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगा। अब देखो ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके बाद का कैंडल देखोगे तो ये एक इनसाइड कैंडल है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इनसाइड कैंडल है तो चलेगा, ग्रीन कलर है ये भी चलेगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर रेड कलर का कैंडल यहाँ पे बन जाता तो वो हम लोगों का परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं होता। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ब्रेकआउट कैंडल के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाता तो हम लोग उसको ब्रेकआउट कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे, वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। अगर उस कंडीशन में आप ट्रेड करोगे तो उसका मैं लाइव एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, प्राइस क्या यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। अब इस कैंडल ने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन किया, इस लेवल का कैंडल ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। अब पहला रूल पढ़ो क्या लिखा हुआ, कोई भी रेजिस्टेंस हो कोई भी सपोर्ट हो कैंडल्स के बॉडी से ब्रेकडाउन होना चाहिए, या कैंडल के बॉडी से ब्रेकडाउन हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग भी है। तीसरा रूल देखो क्या बोलता है, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, बट इन केस ऑफ सपोर्ट वो जो हमारा ब्रेकडाउन कैंडल है इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये ब्रेकडाउन कैंडल दिया, इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बन गया। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे आप 10 में से 8 बार यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। आप हमेशा कोशिश करो कि अगर ये ब्रेकडाउन कैंडल है तो इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, फिर आप यहाँ पे नीचे का ट्रेड में एंट्री करो। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। अभी मैं आप लोगों को इसका लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्राइस यहाँ से नीचे आया, इस कैंडल का यहाँ पे मान लेते हैं ये ब्रेकडाउन हुआ है। इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से मार्क करना होगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से मार्क नहीं होगा तो फिर आप ट्रैप हो ही जाओगे, क्योंकि गलत सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रैप हो जाओगे। अभी आप यहाँ पे ध्यान से समझना, इस कैंडल ने इसका क्या किया, ब्रेकडाउन किया, कैंडल के बॉडी से ब्रेकडाउन किया, सही है, नो डाउट, बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा हम लोगों का क्या रूल था, ब्रेकआउट कैंडल जो भी हो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। दूसरा रूल भी हम लोगों का यहाँ पे फुलफिल हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। इसके बाद का कैंडल देखो इनसाइड कैंडल बना, तो इनसाइड कैंडल भी बनेगा तो उसको हम लोग परफेक्ट ब्रेकडाउन कैंडल स्टिक कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पे इसके बाद का कैंडल ग्रीन कलर का नहीं बनना चाहिए, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसके बाद के कैंडल का क्लोजिंग का वेट करोगे। अब मान लेते हैं ये ब्रेकडाउन दे दिया, आपने डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री कर लिया, इसके बाद इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट ही नहीं किया कि ये रेड में क्लोजिंग दे रहा है या फिर ग्रीन में क्लोजिंग दे रहा है। आप यहाँ पे वेट करोगे, देखो ये रेट में क्लोजिंग दिया, उसका प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट किया और यहाँ पे डायरेक्ट फॉल कर गया। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट ब्रेकडाउन है। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को मैंने अभी कितना रूल समझाया, 3 रूल समझाया। चौथा रूल क्या होता है, वेट फॉर रिटेस्ट। अब वेट फॉर रिटेस्ट का क्या मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पे देखो इसका क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद आप यहाँ पे भी डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, यानी तो फिर अगेन प्राइस इसको रिटेस्ट करेगा, आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। रिटेस्ट किया, देखो प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, फॉल कर गया। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप रिटेस्ट का वेट भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन रिटेस्ट का आप वेट ना करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 10 में से 5-6 बार मार्केट रिटेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट फॉल कर जाता है। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लास्ट रूल देखो, डोंट चूज पैराबॉलिक मूव। अब पैराबॉलिक मूव का क्या मतलब होता है, देखो पैराबॉलिक मूव का मतलब होता है कि अब यहाँ से प्राइस क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल बहुत स्पीड में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब मान लेते हैं अगर ये बैंक निफ्टी का है तो लगभग 120-130 पॉइंट का यहाँ पे अगर कैंडल बन जाता है तो वहाँ पे आप क्या करो, ट्रेड को अवॉइड कर दो, ट्रेड में एंट्री मत करो। क्यों, क्योंकि आपको एक ही कैंडल ने 100 प्लस पॉइंट का मूव दे दिया, उसके बाद क्या होगा, प्राइस कितना ज़्यादा नीचे जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर प्राइस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत ऊपर से आ रहा है, एक पैराबॉलिक मूव देते हुए आ रहा है,
और जो ब्रेकडाउन कैंडल है वो भी 100 पॉइंट से ज्यादा का है, 120 पॉइंट से अगर ज्यादा का कैंडल है तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे क्या कि वो एक पैराबॉलिक कैंडल है, अब वहां पे ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा 120 पॉइंट से कम पॉइंट का कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन करना चाहिए अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। अभी देखो मैं आप लोगों को जो भी रूल्स समझाया उसका मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देके समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ध्यान से रीड करना, सबसे पहला रूल क्या है, रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो कैंडल्स के बॉडी से ब्रेकडाउन होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, ये हम लोगों का सपोर्ट का लेवल है। अब यहाँ पे देखो इस रेड कैंडल ने क्या किया, इसका बॉडी से ब्रेकडाउन किया। तो फर्स्ट रूल हम लोगों का क्या है, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल के बॉडी से ब्रेकडाउन होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैंडल के बॉडी से हो रहा, फर्स्ट रूल हम लोगों का कंप्लीट हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए, ये कैंडल स्ट्रांग भी है, ये भी चीज़ हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। तीसरा रूल देखो क्या बोला, यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखना, आप इसको बोल के पी जाओ या कुछ भी करो बट आपके दिमाग में होना चाहिए तभी आप ट्रैप होने से बच सकते हो। क्या लिखा हुआ, ऑलवेज वेट सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल, जो भी हमारा ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर इसका क्लोजिंग आना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस का हो रहा है तो, अगर सपोर्ट का हो रहा है तो इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। आप यहाँ पे देखो इसके बाद का ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दिया, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, अगर इसके बाद रेड बनता तो फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता था, जैसे इस ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना, प्राइस रिटेस्ट किया और नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगला रूल क्या है, वेट फॉर रीटेस्ट, आप रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हो लेकिन रीटेस्ट का वेट ना करो तो ज़्यादा बेटर है, आप डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हो और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर का आप लोगों को क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना और पैराबॉलिक मूव, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, अब यहाँ पे मार्केट क्या है थोड़ा देर साइड पे जरा, फॉर एग्जांपल ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, अब यहाँ पे ये कैंडल जो ऊपर की तरफ गया देखो कितना बड़ा वीक बनाया, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड में एंट्री किए होंगे और वो ट्रैप भी हो गए क्योंकि देखो फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया है, तो यहाँ पे वो ट्रैप क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कैंडल के क्लोजिंग का वेट किया ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर तो गया बट इसका क्लोजिंग का आप लोगों को वेट करना है कि वो हाँ ऊपर क्लोजिंग दे रहा है ग्रीन में या नहीं दे रहा। 4 मिनट तक तो ये ऊपर रहा लेकिन अगले 1 मिनट में फिर ये नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, ट्रैप हो गया। क्यों, गलती क्या थी सबसे बड़ी, कि वो कैंडल्स के क्लोजिंग का वेट नहीं किया। आप लोगों को ब्रेकआउट कैंडल के भी क्लोजिंग का वेट करना है और इसके बाद के कैंडल का भी क्लोजिंग का वेट करना है, उसके बाद ही आप वहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे, उसके बाद प्राइस रिटेस्ट करें फिर एंट्री कर लो। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस रूल को आप लोग फॉलो करके देखो, अगर आप लोगों को इसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो वह आके मुझको बोलना कि सर मैंने आप लोगों का 18-19 मिनट का मैं आपका वीडियो देखा बट इससे मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि मैं ये सेम ब्रेकआउट के रूल्स को फॉलो करता हूं और बहुत अच्छा ये परफेक्टली वर्क करता है। अगर आप इसको जेन्युइन तरीके से अच्छे से फॉलो करते हो तो 10 में से 7 से 8 ट्रेड आपका परफेक्ट जाएगा, 2-3 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही, 100% परफेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो अगर आप इस पर कंटिन्यूसली कम से कम 8-10 महीने इस पर मेहनत करते हो तो। आई होप अभी आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा, कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स को समझा और फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन के बारे में समझ लिया। कल हम लोग समझेंगे एडवांस कैंडलस्टिक्स के बारे में और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप अभी आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। अगर आपको मुझसे पर्सनली डाउट पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग वहाँ पे अपना चार्ट शेयर करते हैं, आप चार्ट को देख के भी बहुत सारी चीज़ वहाँ पे सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।